गिरफ्तारी के बाद कल पहले उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए एम्स ले जाया गया। बाद में रात करीब 12:30 बजे पुलिस उन्हें लेकर संगरूर के लिए रवाना हो गई। विधायक नरेश यादव की कोर्ट में पेशी से पहले मालेर कोटाला में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आप कार्यकर्ता विधायक की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए विरोध कर रहे हैं। नरेश यादव ने कहा कि मैं जांच में पूरा सहयोग कर रहा हूं, लेकिन मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। पुलिस के मुताबिक नरेश यादव के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। आरोपी विजय ने मालेर कोटला मामले में नरेश की भूमिका बताई थी। इनके फोन रिकॉर्ड भी इस बात का सबूत देते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि कश्मीर घाटी में शांति और सामान्य स्थिति बहाल होने दें। राजनाथ सिंह ने कहा है कि सुरक्षा बलों को भीड़ के खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल से यथासंभव परहेज करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे गैर घातक हथियारों के उपयोग पर गौर करने के लिए उनके द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समिति 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। राजनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटी के हालात से बहुत चिंतित है। गृहमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आतंकवाद को भी बर्दाश्त नहीं करेगी। गौरतलब है कि नई दिल्ली ने एक दिन पहले ही स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर भारत का है और वह कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा शनिवार को दिए गए बयान कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है और वह कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मामलों पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा, कश्मीर के भविष्य पर ऐसा फैसला सिर्फ कश्मीर के लोग सुना सकते हैं, न कि भारत की विदेश मंत्री। महबूबा ने कहा कि आज जब कोई कश्मीरी बच्चा बंदूक उठाता है तो वो पाकिस्तानी उसे नेता बताते हैं, लेकिन जब कोई उनका अपना बच्चा बंदूक उठाता है तो वे उस पर ड्रोन से हमला करते हैं और सैन्य अदालतों में उन्हें फांसी देते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हमारे बच्चों को बंदूक उठाने के लिए उकसाते हैं और कहते हैं कि अगर आप मुठभेड़ में मारे जाते हैं तो आप हमारे नेता बनेंगे, लेकिन उसे अपनी नीति बदलनी होगी। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की पाकिस्तानी नेताओं ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि देश में इसकी तस्वीर साफ नहीं है। ठाकरे ने 26 जुलाई को अपने जन्मदिन से पहले पार्टी के मुखपत्र सामना को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि इसके लिए कौन जवाबदेह है। अमरनाथ यात्रा निलंबित की गई है, हिंदुओं को पीटा जा रहा है, जवानों पर हमले किए जा रहे हैं। हर किसी को उम्मीद थी कि सरकार में बदलाव के बाद परिदृश्य बदलेगा। उद्धव ने दावा किया कि केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी ने इस पर जोर दिया कि अब से आगे हिंदुओं को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन घाटी में हिंदू संकट में है। मीडिया से मुखातिब ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने देश की चिंता करें, हमें सलाह ना दें। पाकिस्तान आग में जल रहा है और नवाज शरीफ भारत को सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कश्मीर के हालात पर केंद्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सांसद ओवैसी ने कहा कि कश्मीर में बिगड़े हालात की चाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। प्रधानमंत्री जब चाहे कश्मीर के हालात में सुधार कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के कार्यकाल में जो काम कश्मीर में हुए उन पर अमल करने की जरूरत है। इस इलाके में विस्फोट और रिमांड की मदद से तलाशी अभियान और सघन कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी मिला नहीं है। लापता विमान की खोज के लिए एक और सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। चेन्नई से करीब 300 किलोमीटर दूर जहां से विमान के रडार से अंतिम बार संपर्क टूटा था, वहां पर अब मौसम थोड़ा सा सुधरा है, लेकिन समुद्र अभी भी रफ है। लापता विमान की खोज में नौसेना के 12 युद्ध पोत, कोस्ट गार्ड के 4 जहाज और 17 विमान लगाए गए हैं। दिल्ली में इस संगठन की एक बैठक होने जा रही है। इस बैठक के दौरान करीब 1000 प्रतिनिधि नई पार्टी बनाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। आम आदमी पार्टी से निकाले जाने के बाद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने स्वराज अभियान संगठन बनाया था, लेकिन इससे राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई थी। अब 31 जुलाई को होने वाली मीटिंग में इस बात का ऐलान हो सकता है। फिलहाल स्वराज अभियान की 6 से ज्यादा राज्यों और 100 से ज्यादा जिलों में निर्वाचित इकाई बन चुकी है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस मामले में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को निशाने पर लिया है। तेजस्वी ने ट्विटर पर सुशील कुमार मोदी पर हमला बोला और कड़ी टिप्पणियां की। तेजस्वी ने ट्वीट कर बीजेपी नेता सुशील मोदी पर व्यंग करते हुए कहा कि कौन फैला रहा है बिहार में जंगलराज, सुशील कुमार मोदी जी। देखिए अपने परम प्यारे टूना पांडे की करतूत, निकालिए अब कैंडल मार्च। तेजस्वी प्रसाद यादव ने सुशील कुमार मोदी के उस ट्वीट को भी शेयर किया जिसमें सुशील कुमार मोदी ने टूना पांडे की जीत पर उन्हें
बधाई दी है। अर्जुन खान ने कहा कि बादशाह ने एक साल में देश के हर परिवार को करोड़पति बनाने का वादा किया था, लेकिन अब परदेशी हो गए हैं। मोदी ने विदेशों में ढोल नगाड़े बजाने का नंगे भरा काम किया है। अर्जुन ने कहा कि दो राजनीतिक दलों के हाथ में जूता है और दोनों एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। अब ये दो बदतमीजों में मुकाबला है। हमारे ऊपर इल्जाम था कि हमने मुजफ्फरनगर दंगा कराया है। हमसे कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाएं। वे हमें पाकिस्तान में ही भेजना चाहते हैं, वे हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। ये बात साबित हो कि दंगा मैंने कराया था तो मुझे कुतुब मीनार की आखिरी मंजिल पर फांसी लगा दो, क्योंकि भारतीय रेल ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्ञान और मनोरंजन के लिए रेल रेडियो सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है, जो आपात और आपदा की स्थिति में भी कारगर हो सकती है। सरकारी लोक परिवहन में प्रीमियर सेवा ट्रेन सहित करीब 1000 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में इस सुविधा को शुरू करने की योजना बनाई है। योजना के मुताबिक कोचों में लगे सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली पर यात्रा की केवल लोकप्रिय गीत संगीत सुन सकेंगे, बल्कि हर घंटे ट्रेन संबंधी नवीनतम सूचना से भी अवगत होते रहेंगे। इस प्रणाली का इस्तेमाल आपात स्थिति में चेतावनी देने के लिए किया जाएगा। शहर के मेयर ने आज तड़के मीडिया को ये जानकारी दी। धमाका रविवार रात एक ओपन एयर म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर जाने वाले गेट के पास हुआ। स्थानीय अखबारों के अनुसार मेयर ने बताया कि अभी ये साफ नहीं है कि ये आतंकी हमला था। इससे पहले जर्मनी की पुलिस ने डीपीए समाचार एजेंसी को बताया था कि धमाका अंसबाग में एक कैफे के बाहर हुआ, जो न्यूमबर्ग के पास है। अंसबाग पुलिस से फिलहाल इस मामले में संपर्क नहीं हो पाया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस धमाके में संदिग्ध मारा गया है। ओली ने अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश को प्रयोगशाला में बदलने और नए संविधान को लागू करने में रोड़े अटकाने की विदेशी ताकतों की साजिश करार दिया। पिछले 10 साल के दौरान बनी नेपाल की आठवीं सरकार की अगुवाई करने के लिए ओली पिछले अक्टूबर में प्रधानमंत्री बने थे। गठबंधन सरकार से माओवादियों द्वारा समर्थन वापस ले लिए जाने के बाद ओली अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे थे। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए तैयार बैठे सांसदों से 64 साल के ओली ने कहा, मैंने संसद में एक नए प्रधानमंत्री के चुनाव का रास्ता साफ करने का फैसला किया है और मैंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। जबकि उसे बचाने की कोशिश में साथ की दूसरी महिला भी बुरी तरह से घायल हो गई। इस दर्दनाक घटना का एक वीडियो फुटेज सामने आया है, जिसके मुताबिक महिला सफारी पार्क में चेतावनी के बाद भी कार से बाहर निकली और जब वो कार में प्रवेश कर रही थी तभी बाघ ने पीछे से उसे खींच लिया। महिला के साथ कार में एक अन्य महिला, एक बच्चा और एक पुरुष सवार थे। महिला को बचाने के लिए उसके परिवार के सदस्य कार से बाहर निकले, लेकिन महिला को बचा नहीं सके। महिला को बचाने के प्रयास में दूसरी महिला पर दूसरे बाघ ने हमला कर दिया। रविचंद्रन अश्विन की फिरकी के सामने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आए। अश्विन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। पहली पारी में 323 रन से पीछे चल रही वेस्टइंडीज टीम दूसरी पारी में भी सिर्फ 231 रन बनाकर ऑल आउट हो गए और एक पारी व 92 रन से मैच हार गए। अश्विन ने अपने जज्बे और स्पिन के जादू से वेस्टइंडीज के 7 बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाया। पहली पारी में टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद शमी और उमेश यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। टीम इंडिया ने विराट कोहली के दोहरे शतक और अश्विन की शतकीय पारी की बदौलत 566 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इसके साथ ही इस साल बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। असम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक अधिकारी ने कहा कि बाढ़ के कारण रविवार को तिनसुकिया जिले का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। इसके अतिरिक्त लखीमपुर, गोलाघाट, मारीगांव, जोहाट, धेमाजी, शिवसागर, कोकराझार, बारपेटा, बोंगेगांव, नागांव, धुबरी, डिब्रूगढ़ और चिराग जिलों के इलाके भी पिछले कुछ दिनों से जलमग्न हैं। कल तक 14 जिलों के 1206 गांव में मौजूदा बाढ़ से प्रभावित रहे। संबंधित जिला प्रशासन ने बाढ़ ग्रस्त जिलों में बाढ़ पीड़ितों के रहने के लिए 81 राहत शिविर स्थापित किए हैं।